हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऑफिस सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसको हम क्रिएट कैसे करेंगे। जैसे आपको पता है कि मेरी स्कीमा मार्कअप की सीरीज चल रही है, तो मेरा पहला वीडियो वेब पेज स्कीमा था जो मैंने बनाया था और उसका आई बटन में आप लिंक देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाया वो था आपका ब्रेड क्रम स्कीमा, जो कि सैड स्ट्रक्चर के लिए इससे बिल्कुल कोरिलेट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सैड स्ट्रक्चर के थ्रू जैसे वो एक पेज से दूसरे पेज ऐसे हमारी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकता है। और उसको और अच्छे समझने के लिए हम ब्रेड क्रम स्कीमा लगाते हैं, आई बटन में आप उसका लिंक भी देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा। फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, कि जो जैसे आप इसे कह सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मैं नहीं मानता ये स्कीमा यूज़ हो सकता है, वहाँ प्रोडक्ट स्कीमा चलता है। जैसे कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, जैसे BCCI की कोई वेबसाइट है, मैंने चेक करा है, मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने ऐसे स्कीमा नहीं लगा रखा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रांड है, वो टॉप पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आजकल IPL चल रहा है, फिर वर्ल्ड टी20 आएगा, या जो भी क्रिकेट का इतने ज़्यादा क्रेज है इंडिया में कि कई जगह वो ऐसी वेबसाइट है ना फ्रेंड्स, वो ऐसे वहाँ पहुँच चुके हैं कि उनको कोई ऑफ पेज किसी की ज़रूरत नहीं है, गूगल खुद उनको टॉप पे लेके आएगा। तो ये तो खैर बात हुई, मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगता है। और आपको एक बात बता दूँ, जैसे यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा फॉर कंपनी एंड बिजनेस वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा जनरेटर हेल्प टू क्रिएट स्ट्रक्चर डाटा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी टाइप ऑफ मैनुअल जेसोन कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स। इट हेल्प सर्च इंजन टू रिकॉग्नाइज ब्रांड सिग्नल्स। जो ब्रांड होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगाते हैं, जो ब्रांड बन जाते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप ब्रांड बनो, आप अगर आप नॉर्मल बिजनेस भी और आपको ब्रांड बनना है टू बिकम अ ब्रांड, तो आप ये सारी प्रैक्टिस फॉलो कीजिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंस है FAQ, जो मैंने बताया था ना कि क्यों लगाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या होता है, मे रिफ्लेक्ट गूगल नॉलेज ग्राफ। गूगल नॉलेज ग्राफ आपको पता ही है, जैसे भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने BCCI की बात करी थी, आप देख सकते हैं, तो एक नॉलेज पैनल बन के आता है ऊपर, ठीक है, एक नॉलेज पैनल अब बन के आ गया। अगर यहाँ पे SRK की बात करूँ तो उसका भी एक नॉलेज पैनल बन के ऊपर आ जाएगा, इसे नॉलेज ग्राफ भी कहते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके, ये तो खैर फ्रेंड्स बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन अगर कोई आप बिजनेस को देखना चाहते हो तो उसमें यही होता है कि आप अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ये छोटी छोटी चीज़ यूज़ करते हो तो आपको एक नॉलेज ग्राफ बन के ऊपर आएगा, जिसे ज़ीरो रिजल्ट्स भी कहते हैं। इंटरव्यू में कभी पूछा भी जा सकता है आपसे कि ज़ीरो रिजल्ट्स क्या होते हैं SEO में, ज़ीरो रिजल्ट्स ये होते हैं फ्रेंड्स, जो टॉप पे आते हैं, जिसमें कि जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मटर पनीर, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया, तो नॉलेज पैनल बन के आ गया। जीरो रिजल्ट्स ये होते हैं फ्रेंड्स, जो रीडायरेक्ट नहीं होते, FAQs आते हैं, ये आते हैं नॉलेज पैनल बन के, ये आपका, ठीक है, ये बात हुई। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा पे, जो आज हमारा टॉपिक है। तो ये वाली वेबसाइट मैंने, जे शिंदे कोई है उनकी वेबसाइट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दूंगा, मैंने क्यों इसको यूज़ करा है भी बताऊंगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट है वेयर टू एड ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ऑन वेबसाइट। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, जो स्क्रिप्ट होती है, ये होम पेज पे आप हेड में डालिएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा क्या होता है, हर पेज पे दिखता है। लेकिन अगर आप किसी सर्विस पेज डेडिकेटेड, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था वेब पेज स्कीमा, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पेज के हेड में भी डाल सकते हो और बॉडी में भी डाल सकते हो। लेकिन जो भी स्कीमा होम पेज के हेड में डलेगा, चाहे वो लोकल SEO हो या किसी सर्विस पेज का हो, तो वो हर पेज पे कॉल होगा। लेकिन हम ये तो नहीं चाहते ना कोई सर्विस पेज को हम होम पेज के पे डाल दें और हर पेज पे कॉल हो, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मान लो एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है, उसमें एक सर्विस पेज है SEO, एक ऑफ पेज SEO, एक ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, ब्ला ब्ला ब्ला, GMB गाइड। अब GMB का अगर आपने वेब पेज स्कीमा डिजिटल ये एक वेबसाइट पे डाल दिया जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसके हेड में, तो क्या होगा, हर एक पेज पे आपको GMB का स्कीमा दिखेगा, GMB में भी GMB का स्कीमा दिखेगा, ऑन पेज में भी के पेज पे भी GMB का स्कीमा दिखेगा, क्योंकि आपने क्या करा है, वेबसाइट के हेड पे डाला। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा हर पेज पे दिखता है, तो उसका आंसर यही है, क्योंकि आपने उसको होम पेज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होम पेज के हेड में डाला है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा बात। और बेनिफिट्स, जैसे मैंने बताया कि बेनिफिट्स के यही हैं कि आपका नॉलेज ग्राफ धीरे धीरे एक ईट एल्गोरिथम के थ्रू एक आपका अथॉरिटी क्रिएट होती है, और फिर क्या होता है, नॉलेज ग्राफ आपका गूगल खुद बना के दे देता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा डालते हैं।
तो फ्रेंड्स बात ये थी, आपने सुना होगा यही वेबसाइट होती है जो सब लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे जाके आप ऑर्गेनाइजेशन स्कीम बनाओ। मैं इस वेबसाइट पे गया फ्रेंड्स, तो मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशन स्कीम में सारे पॉइंटर्स थे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टाइप नेम ऑल्टरनेट बट एड्रेस नहीं था। अगर आप एड कॉन्टैक्ट पर भी जाएंगे तो टाइप है जो कि टेली मतलब जो आप कह रहे हो टोल फ्री नंबर, एरिया ऑफ सर्विस है, फ़ोन नंबर है लेकिन एड्रेस नहीं है। तो उसके लिए मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी जिसका मैं आपको लिंक दूंगा। इसमें ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट यूआरएल, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह। तो हम पूरा इसे बनाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सैंडी डाल दिया, वेबसाइट यूआरएल में मैं इधर गया, वेबसाइट यूआरएल में इधर गया, मैंने वेबसाइट यूआरएल डाल दिया, ठीक है। लोगो, आपका जो लोगो होता है उसको कॉपी कर लीजिएगा, लोगो डाल दीजिएगा। अगर आपको लोगो का इतना इशू है तो कुछ कुछ मत कीजिए, अपनी वेबसाइट पर जाइए, बहुत सिंपल होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि लोगो का यूआरएल आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा तब भी आप अपने जो डेवलपर हो उसने उन्होंने एट द टाइम ऑफ वेबसाइट लोगो क्रिएट करा होगा तो उनके पास एक प्रॉपर एक लोगो फॉर्मेट वाला यूआरएल होगा, वो ज़रूर ले लीजिएगा। जैसे मैं सैंडी की सॉरी इस वेबसाइट पर जाता हूँ, होम पेज पर गया, लोगो के लिए आपको कुछ नहीं करना, पेज ओपन हो जाए, जैसे आप यहाँ पे गए लोगो है, यहाँ पे गए ओपन इमेज इन न्यू टैब, जैसे आप न्यू टैब में खोलोगे तो आपको लोगो ही दिखेगा। तो ये यूआरएल आप डाल सकते हो, लेकिन डेवलपर से भी ले सकते हो और ये यूआरएल भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा डेवलपर वाला ले लीजिए क्योंकि इन यूआरएल में पैरामीटर्स आ रहा है, तो मैं एक बता रहा था रेफरेंस के लिए, ठीक है। सोशल मीडिया के लिए भी लिंक चाहिए होते हैं आपको, तो आप यहाँ से जाके कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हो ये सारे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लोगो का यूआरएल जैसे मैंने कॉपी करके रखा ही हुआ है अपना, तो मैंने ये वाला यूआरएल डाल दिया। ये आप ना एक नोटपैड में सारी चीज़ें कॉपी करके रख लीजिएगा, इससे फ़ायदा होगा आपका स्क्रिप्ट जल्दी उससे होने में। स्ट्रीट एड्रेस डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। एड्रेस लोकेलिटी डाल दी, लॉस एंजलिस। रीजन CA है, कैलिफोर्निया का शॉर्ट फॉर्म CA होता है। पोस्टल कोड आपका 9049 है। USA कंट्री आई गया। टेलीफोन नंबर आप ये डाल दीजिए, मैंने एक जगह इसलिए कर दिया ताकि जल्दी हो जाए वरना फिर टाइम लगता है। ईमेल आईडी इनकी जो है वो एक ही है, press@sandy.com, ठीक है फ्रेंड। अब सोशल मीडिया लिंक है, जैसे वहाँ से भी कॉपी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जल्दी के लिए कि मुझे बार बार वेबसाइट पे जाना ना पड़े। ट्विटर का डाल लीजिए, इंस्टाग्राम का डाल लीजिए, यूट्यूब का डाल लीजिए, मैंने भी चार ही डाले फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारी स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गए। ऐड अनदर करने के लिए और भी और डाल दिया, सबमिट। सबमिट आप जैसे ही करोगे ये स्क्रिप्ट आपकी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड। ये स्क्रिप्ट आपके बन के तैयार हो गए। अब हम इस स्क्रिप्ट को स्कीमा वैलिडेटर में चेक करेंगे, कोई इशू तो नहीं है। न्यू टेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट करा, रन टेस्ट कर दिया, ठीक है। ज़ीरो एरर है फ्रेंड, ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग। ये हमारी स्क्रिप्ट तैयार है। टेलीफोन नंबर इसमें ये, मेरा एक क्वेश्चन ये था जो मैं चाहता था कि आप इस चीज़ को समझें कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना ना जो स्कीमा बनाए वो बेस्ट बनाए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देखिए वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल थी, ठीक ही नहीं थी, तो आपको थोड़ी आरएनडी करने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, इससे आईफोन है, ये वेबसाइट है फ्रेंड। इस वेबसाइट पे गए आप, इसको कॉपी करा और ज़रा इसका ना स्कीमा चेक कीजिए आप डाल के। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा देखिए इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो ऑप्शन आपके पास हो सकता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट में इन्होंने तीन कॉन्टैक्ट डाले हुए, एक सेल्स का, एक टेक्निकल सपोर्ट का, एक कस्टमर सपोर्ट का। कई बार आपकी वेबसाइट होती है वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप और प्रिसाइज चलिए, सेल्स टीम का डाल दीजिए, कॉन्टैक्टर्स का डाल दीजिए, ओनर का डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि जितना आप इंफॉर्मेशन देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। अब क्या है देखिए, ये हमारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार थी, ठीक है।
अब इसमें एक कॉन्टैक्ट पॉइंट था, ये वो स्क्रिप्ट है जो मैंने अभी बनाई है उससे अलग है, ये मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है फ्रेंड। अब आप देखिए इसमें एक कॉन्टैक्ट पॉइंट डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि और कॉन्टैक्ट पॉइंट भी आए, अगर मेरी वेबसाइट पर ऑप्शन हो तो आप बोलोगे यार इसमें तो स्क्रिप्ट नहीं, अब मैं क्या करूँ, तो आपको क्या करना है, आईफोन वाले पेज पर मैं गया था, मैंने इनकी स्क्रिप्ट देखी यहाँ से, तो देखिए इनका यहाँ से स्टार्ट हुआ सारा, इधर से सारा स्टार्ट हुआ। तो आप अपने पहले स्क्रिप्ट देखिएगा कि कॉन्टैक्ट पॉइंट से पहले अगर आप देखें कि यहाँ से आप ये पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि आप कि अगर नंबर ऑफ ऑप्शन ज़्यादा हो तो वो आप यूज़ कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ तक लेके और इस स्क्रिप्ट में पेस्ट कर दूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मेरा रीज़न क्या है, इसका मेरा एक ही रीज़न है फ्रेंड्स, वो ये है कि अपने कॉम्पिटिटर को चेक कीजिए, उसकी अगर वो आपसे आगे है तो इसके स्कीमा में देखिए कौन सी चीज़ें ऐड ऑन है जो आप में ऐड ऑन नहीं है, वो स्क्रिप्ट आप अपने में डालिए। अब ये स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई, तो मैंने बोला हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को क्रॉस चेक कीजिए। अब हम कॉपी करेंगे एक बार, इस चीज़ की स्क्रिप्ट को चेक कर लेंगे, देखिए फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं आया। अब इस स्क्रिप्ट में तीन नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, अब आपकी मर्जी है। ये मैंने आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास तो एक ही टेलीफोन नंबर था, ठीक है, अगर हमारे तीन टेलीफोन नंबर चाहिए होते तो हम ये कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसमें डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं था, इस वेबसाइट के ऑप्शन में नहीं था, तो आप डिस्क्रिप्शन भी इसमें ऐड कर सकते थे। मैं बस यही आपसे कहना चाह, मेरा एक पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट केवल यही था फ्रेंड्स, देखिए डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड है एप्पल की वेबसाइट में, नो सॉरी एप्पल की नहीं, हाँ एप्पल वाली भी देख लेते हैं एक बार, क्या पता एप्पल में भी ऐड हो, होगा वैसे नहीं है, तो अगर नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप डालिए, आप अपने अपने जो स्कीमा बनाइए ऑर्गेनाइजेशन को इतना अच्छा बनाइए, एप्पल में नहीं है फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है अपनी स्क्रिप्ट में ये चीज़ें R&D कीजिए, कॉम्पिटिटर का स्क्रिप्ट यहाँ पे डालिए, वहाँ की स्क्रिप्ट कॉपी करके अपने स्क्रिप्ट में डालिए, उसे टेस्ट कराइए और फिर डेवलपर को दीजिए या फिर वर्डप्रेस पे हो। आपको पता है एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूंगा, आज से 2 साल पहले ये बात आ चुकी थी, मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि पहले लोग GTM के थ्रू स्कीमा लगाते थे वेबसाइट पे, फिर गूगल ने एक एल्गो निकाली थी, एक एल्गोरिज्म, उसमें बोला था कि जिन वेबसाइट पे GTM के थ्रू स्कीमा लगा होगा उनको हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो अब क्या कर, तब से अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो चीज़ें जो लोग अपडेट रहते हैं जो सुनते हैं गूगल की, उन्होंने फिर GTM से हटा के वर्डप्रेस में प्लगइन्स के थ्रू या फिर हेड में डालना शुरू कर दिया था, जैसे भी अपने डेवलपर को दे दिया था, और डेवलपर को बता दिया अगर भाई तू ऑर्गेनाइजेशन लगा रहा है या कोई लोकल SEO होता है फ्रेंड्स, तो उसको तो तू लगा दे हेड में होम के, ताकि वो सब जगह कॉल हो, बाकी जो सर्विस पेज डेडिकेटेड पेज होते हैं उनके तू पर्टिकुलर पेज पे जाके बॉडी या हेड में लगा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा बस यही कहने का मतलब है, इसका मैं लिंक दूंगा कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कीजिए, उनके स्कीमा देखिए, अपने स्कीमा देखिए, और जो स्क्रिप्ट में जो चीज़ मिसिंग है वो उनकी कॉपी करके, जैसे मैंने यहाँ पे अभी करी, यहाँ पे आप गए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये वाला कोड आपके सामने जाएगा, उस जो स्क्रिप्ट आपके में नहीं है उस पर्टिकुलर उसको कॉपी करके अपने पास अपनी स्क्रिप्ट में डाल के टेस्ट करके डेवलपर को दे दीजिए। इसी तरीके से आप एक अच्छे SEO बनेंगे कंप्यूटर एनालिसिस करके, आपकी वेबसाइट पर कंप्यूटर के आसपास हो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में एज मच एज यू कैन, और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में ही आपसे कहता हूँ, प्लीज़ जो भी आप चाहते हैं जिस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो एकदम तुरंत मैसेज कर देते हैं कि आप ना इसको बता दो, इस ये वीडियो बना दो, तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ मेरी पूरी मतलब चैनल पर जाके सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में 90% वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पड़े हुए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड हो, चाहे सैंडबॉक्स का वीडियो हो, या बहुत सारे मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करे हुए, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं होगा कि सारे ही हो गए होंगे, पहले आप खुद चेक कीजिए प्लेलिस्ट में जाके, सर्च में जाके मेरे चैनल पे, नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मेरे लिए हेल्प हो जाती है कैलेंडर बनाने के लिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसका बनाना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।